अगर मैं नहीं समझ पाया तो तुमने बताया क्यों नहीं गीत? एक बार आपको मुझसे बात करनी होगी, एक बार आपको मुझे सच बताने का मौका देना ही होगा। मैं आपसे कैसे भी मिलकर रहूंगी। क्या हमारा रिश्ता इतना ही मायने रखता था तुम्हारे लिए कि तुम मुझसे बिना कुछ बोले चली गई? इतना ही यकीन था मुझ पे? क्या यही तक का साथ था हमारा? मैं ये नहीं मान सकती कि आपने पूरा सच जाने बगैर देव और नयनतारा का साथ देने का फैसला कर लिया। उनकी बातों का यकीन कैसे कर सकते आप? आपको एक बार मेरी आंखों में देखकर अपना ये फैसला सुनाना होगा कि हर सुबह तुमसे शुरू होगी और हर रात तुमसे खत्म। आपने मुझे हर बार बोला है कि आप गलत का साथ नहीं देते, और गलत देव और नयनतारा है, मैं नहीं। तो हम सिर्फ नयनतारा की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते? दादी मां चाहे कुछ भी कहे, पर मैं ये नहीं मान सकती कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे। दादी मां, वो हम सबका इस्तेमाल कर रही थी। गलती तो हमारी है, हमें ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हम बचपने में आकर देव की छोटी सी गलती का इतना बुरा मान गए और ये घर छोड़कर चले गए। देव हमें बता रहे थे कि आप उनसे अलग होना चाहती, क्या ये सही है? नहीं नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये चाहते थे कि इस बार देव खुद हमें मनाए। हर बार जब भी हमारा कोई झगड़ा कोई लड़ाई होती है तो हम ही उन्हें मनाते, लेकिन जैसे ही हमने मानवीर जी की सगाई के बारे में सुना, हम परिवार की खुशियों में शामिल होने के लिए फिर आ गए। हम नहीं जानते थे कि वो गीत हमारी परिवार की खुशियों को छीन कर ऐसे चली जाएगी। नयनतारा, आप ही की वजह से हमारी आंखें खुल गई। आप ठीक कह रही थी, सारी गलती उस गीत की थी। उसकी अपनी मंगनी पे ना आने की कोई वजह हो ही नहीं सकती। कितने हमारे परिवार के मान के पूरी दिल्ली के सामने बेइज्जती की है, और इसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। हम समझ सकते हैं इस वक्त आपके मन पर क्या गुजर रही होगी। हम तो फिर भी अपने आप को संभाल लेंगे। हमें मान की बहुत फिक्र हो रही है। परसों लगे उन्हें समीरा को बुलाने में, और आज फिर किस्मत ने उनके साथ वही खेल खेला। हम समझ सकते हैं दादी माँ, मगर आप फिक्र मत कीजिए। अब हम वापस आ गए, अब हम सब मिलकर मान को संभाल लेंगे। एकदम सही टाइम पर आई है और एकदम सही सुर पकड़ा है। गीत के लिए इनके मन में सहर भरने का इससे बेहतर मौका दूसरा नहीं हो सकता। और वो अतीत जो गीत और हमारे सिवाय कोई नहीं जानता, बस ऐसे ही दफन हो जाए। क्योंकि अगर वो सच सामने आ गया तो देव के साथ साथ हम भी मुसीबत में आ सकते हैं। क्या करें मीरा, पूरा शहर ढूंढ लिया, गीत का कहीं पता नहीं चला। देव जस्ट काम डाउन, कहीं ना कहीं तो Thank you.
तुम यहाँ क्यों आई हो? और आप देव को मिल गए। आखिर फ्रेंड्स होते किस लिए? अकेलेपन में साथ देने के लिए। और फिर आप तो देव की बहुत अच्छी दोस्त है। पर अफसोस, अब ये दोस्ती वाले दिन खत्म हो गए। मूव ऑन, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, है ना? तुम्हें मीरा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तो आगे बढ़ने की बात कर रही हो ना तुम? और भाई मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी यहां पे कोई जगह नहीं है। देव, आपको नहीं लगता ये बातें सिर्फ पति पत्नी के बीच होनी चाहिए? मीरा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये यहां क्यों आई है। गीत के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें ब्रो और गीत के बारे में पता चल गया ना? अभी उनकी जिंदगी खराब करने आई हो तुम। जहां मीरा, मीरा को सब कुछ पता है। सब कुछ? हाँ, फैक्ट मीरा ने वो किया है जो तुम नहीं कर पाई। मीरा ने मुझे सही रास्ता दिखाया है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊं। अरे आ गए मैं। अरे पुत्र आ गए, आदि जी भी आए हैं। सत श्री अकाल जी, की हाल है? भाई सबसे पहले ये बताओ कि मेरी बेटी गीत की मंगनी कैसी हुई? आप लोगों ने बड़ी मस्ती की होगी और भांगड़ा भी किया होगा। ढूम टाका टाका ढूम टाका टाका। लेकिन पुत्र आदि, आप दोनों कुछ बोल नहीं रहे। चुप क्यों बच्चा लोग, कुछ बोलो ना। पापा, वो मंगनी, मंगनी नहीं हुई। मंगनी नहीं हुई? हाँ, मंगनी से पहले कहीं चली गई। चली गई? जी पापा, मुझे भी कितनी हैरानी हो रही है कि गीत ऐसे कैसे मंगनी छोड़ के जा सकती है। अचानक गायब हो गई, पता नहीं कहां गई। मैं आपको बहुत पहले बताना चाहती थी, पर मुझे डर लग रहा था कहीं आपको सच पता चल गया तो आप क्या कहेंगे। मैं प्रेग्नेंट हूं। कारण शायद मैं जानता हूं। अंकल प्लीज, अगर आप कोई राज जानते हैं तो प्लीज हमें बताइए। हो सकता है वो राज जानने के बाद।